उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो अलर्ट था यहाँ से गायब हो गया। आप इस टैब को बंद कर देंगे और इस टैब में आ जाएंगे। उसके बाद प्रोफाइल की स्ट्रेंथ को मजीद इंक्रीज करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने जो स्किल्स हैं वो सिर्फ अभी तक एक ही स्किल ऐड किया है, इस वजह से भी ये स्ट्रेंथ अभी काफ़ी कम है। तो हम क्या करेंगे, कुछ और स्किल्स भी ऐड करेंगे और फिर देखेंगे ये स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है। ऐड पर क्लिक करते हैं और जो हमारे स्किल्स हमें लगते हैं, मैं अभी डमी, आप यहाँ से जो आपके स्किल्स होंगे कि जिनमें आप काम कर सकते हैं वो ऐड करेंगे, और वो ऐड करने के बाद यहाँ से उनका लेवल सेलेक्ट कर लेंगे जितना आपका लेवल बनता होगा। लेवल सेलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी स्किल को आपने गलती से ऐड कर लिया है, जैसे कि मैंने ये कोटलिंग गलती से ऐड कर लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रॉस आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। ये सबका यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर लेंगे और सेव करेंगे। जैसे ही हमने और स्किल्स ऐड किए हैं आप देख सकते हैं ये 90% हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ 10% रह गई है। वो हम जैसे ही ये इमेज लगाएंगे होपफुली वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आप इमेज लगाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें कैमरे पे, ब्रोज फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी प्रोफाइल इमेज को अपलोड कर, यहाँ से आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लें जहाँ पे ये मतलब कि ये दोनों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज किस तरह नज़र आएगी, यहाँ पे सही नज़र आ रही है, आप इसको अपलोड कर दें। यहाँ पे जैसे ही हमने इमेज अपलोड की आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल 100% कम्प्लीट हो गई। तो ये था कि आप Jobee.pk पे अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। हमने क्या क्या ऐड करना है, अपनी प्रोफाइल इमेज ऐड करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद अपने पब्लिक लिंक्स ऐड करने हैं, यहाँ पे आप एडिट करेंगे और ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री एरिया ऐड करना बहुत ज़रूरी है, फंक्शनल एरिया ऐड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद समरी ऐड करना बहुत बहुत ज़रूरी है, वर्क हिस्ट्री, प्रोजेक्ट्स ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स जितनी हो सके ऐड करें, और उसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड जॉब सिटी जहाँ पे आप जॉब करना पसंद करेंगे वो ऐड कर दें, और यहाँ पे लैंग्वेजेस, ये पांच छह चीज़ें ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ 100% हो जाएगी। आप अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत को बचाने के लिए कि नेक्स्ट टाइम आपको ये सारी मेहनत ना करनी पड़े, आप ये डाउनलोड बटन पर क्लिक कर लें और CV को सेव कर लें। और अगर नेक्स्ट टाइम आपका गलती से कभी अकाउंट डिलीट हो जाए या किसी और अकाउंट में आपने सेम इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें वो कह रहा है ऑलरेडी हैव अ रिज्यूम, इसको सिर्फ यहाँ से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके उस CV को अपलोड कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी ये सारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, और अगर आपको कभी किसी और अकाउंट में भी इस इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होगा तो आप जस्ट यहाँ से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो ये तरीका था यहाँ पर प्रोफाइल बनाना और उसको 100% कंप्लीट करने का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस साइट पे हम जॉब को किस तरह सर्च कर सकते हैं और उस पर अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि हम जॉब अलर्ट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जॉब्स को सर्च करने के लिए आप इसके होम पेज पे आ जाएं, यहाँ पे लोगो पे क्लिक करेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो ये भी बॉक्स है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, और दूसरा ये भी ऑप्शन है कि यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जॉब्स के पेज पे ले आएगा। यहाँ पे जितनी जॉब्स होंगी वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। आप अब जॉब को हमने सर्च किस तरह करना है, आपने सबसे पहले फील्ड में जिस जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं ना उसका यहाँ पर नाम लिख देना, जो भी आपने जॉब सर्च करनी है उसका यहाँ पर नाम लिख देना। उसके बाद सेकेंड फील्ड में आपने सिटी का नाम लिखना है जिस शहर में आप चाहते हैं जॉब हो, और बस इन दो फील्ड्स को एंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करके तीसरी फील्ड एंटर नहीं करनी। ये दो फील्ड एंटर कर ली, सर्च कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से सिटी में से फिर आप लाहौर को सिलेक्ट कर लें। ये हो गया, मतलब जिस सिटी में आप चाहते हैं कि आपकी जॉब हो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आके टाइटल में से आप यहाँ से जो जो टाइटल आपकी जॉब के लिए सूटेबल है ना, मतलब जो आप समझते हैं कि हाँ ये टाइटल होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब ढूंढ रहे हैं तो यूनिटी गेम डेवलपर की जॉब सारी बात है आपके लिए नहीं है, तो आप यहाँ से जो जॉब आपके लिए सूटेबल है उसके टाइटल को यहाँ से चेक कर लें। मैं यहाँ से फ्रंट एंड डेवलपर को सिलेक्ट कर लूँगा और बस फ्रंट एंड डेवलपर ही बन गया। उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शनल एरियाज़ को वैसे ही रहने दीजिए, फंक्शनल एरिया को आपने टिक नहीं करना। उसके बाद नीचे आ जाएँ एक्सपीरियंस लेवल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दो दफ़ा बता चुका हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपका अभी तक कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो आप लेस देन 1 ईयर को सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है कोई तो फिर आप 1 ईयर और अपने एक्सपीरियंस के रिलेटिव जाएंगे, नहीं तो लेस देन 1 ईयर ही देगा बस। उसके बाद आप शिफ्ट को भी बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो जो है वैसे ही रहने दें। जेंडर को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, इंडस्ट्री को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कैरियर लेवल, ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी आप अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं तो एटीट्यूड लेवल हो जाएगा,
और अगर एक्सपीरियंस आया तो उसके रिलेटिव आप सिलेक्ट कर लेंगे बस। तो हमने फिल्टर्स में से क्या क्या सिलेक्ट किया, सिटी को सिलेक्ट किया, उसके बाद टाइटल को सिलेक्ट किया, उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने सिलेक्ट किया है करियर लेवल को सिलेक्ट किया है और बस। और बाद में फिर आप अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपके लिए बेस्ट जॉब्स होंगी वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद जो जॉब आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, जैसे ही मुझे लगा ये जॉब मेरे लिए बेस्ट है मैं उस जॉब पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस जॉब के पेज पर ले जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद बस आप इस अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ लेगा कि आपकी एक्सपेक्टेड मेन सैलरी क्या है और मैक्स सैलरी क्या, कि आप क्या चाहते हैं कि इससे कम सैलरी ना हो और इससे ज़्यादा ना हो। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मेन सैलरी को सिलेक्ट कर लें जितनी भी आप चाहते हैं कि इतनी सैलरी होनी चाहिए और मैक्स को भी सिलेक्ट कर लें जितनी आप चाहते हैं कि इतनी होनी चाहिए। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इस जॉब के लिए चली जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि Jobee.pk पे आप अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद उस अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट किस तरह कर सकते हैं और लास्ट में जॉब को सर्च करके उन पे अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।